नमस्कार, मैं पूर्णिमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। यूपी के बलिया में पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा अपराध एवं अपराधियों को रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान में स्वाट सीम व गढ़वाल पुलिस को भारी सफलता मिली है। हाल ही में एक व्यक्ति को पकड़ा जो चोरी के लैपटॉप बेचने जा रहा था। गढ़वाल कस्बे से शिव मंदिर के बगल में जनसेवा केंद्र की दुकान से हुई चोरी के लैपटॉप को लेकर बेचने के लिए एक व्यक्ति कहीं जाने के फिराक में रेलवे स्टेशन चिलकहर पर खड़ा था। इस सूचना पर प्रभारी थाना गढ़वाल और प्रभारी स्वाट टीम रेलवे स्टेशन चिलकहर पर पहुंचकर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और जमा तलाशी ली गई तो 5 लैपटॉप, चार्जर और एक हार्ड डिस्क और एक मोबाइल झोले में बरामद हुआ। जब उस व्यक्ति से पूछताछ की गई तो अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा गढ़वाल कस्बे में शिव मंदिर के बगल में जनसेवा केंद्र से 4 लैपटॉप, चार्जर, हार्ड डिस्क चोरी किया था जिसको बेचने के लिए जा रहा था। जनसेवा केंद्र की दुकान से चोरी की घटना हुई थी, उसमें लैपटॉप चोरी गए थे। इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा स्वाट टीम को और थाना प्रभारी गढ़वाल को घटना के वर्कआउट करने के लिए लगाया था और उनके अनवरत प्रयास के कारण और स्वाट टीम प्रभारी एवं उनकी पूरी टीम के परिश्रम से और ये घटना वर्कआउट हुई थी और जिसमें एक विजय आनंद नाम का एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है और इसमें 5 लैपटॉप और एक चार्जर और इसके अलावा जो है हार्ड डिस्क, एक नोकिया मोबाइल, इन सब की बरामदगी हुई है और इसमें इनके विरुद्ध जो है प्रभावी विधिक कार्रवाई की जा रही है और इनसे इनके और जो ग्रुप के जिन घटनाओं में संलिप्त रहे हैं उनको भी कलेक्ट कराया जा रहा है और इनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाएगी ताकि ऐसी घटना रुकेगी और ये अच्छा कार्य है। आज ये पूरे टीम को इनको पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो है 5,000 रुपये का जो है पुरस्कार। हमारे संवाददाता नवजी के साथ अखिलेश सैनी की खास रिपोर्ट।